अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज़िक्र से फ़िक्र तक। आज का हमारा मौजू है रिचुअल्स इन इस्लाम, और इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं लेक्चरर मिसेस इरम ज़िया, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम, और अलामा काजी अहमद नूरानी, वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इस टॉपिक को बेसिकली मैं इस तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि the importance of meaning behind ritual, मतलब जो rituals हैं वो उनके उनके पीछे जो मकसद है उसको समझने की किस हद तक ज़रूरत है। मतलब आपसे शुरू करते हैं, importance of rituals और importance of meaning। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहाँ तक फ़राइज़ का तसव्वुर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अहकामात जिन पर अमल करना बहर सूरत लाजिम है, हमें उन अहकामात को बहर सूरत बजा लाना है, इसलिए कि फ़राइज़ से इंकार कुफ्र है। मुझे बताएं कि हम इस्लाम कोई नए फ़राइज़ तो नहीं लेके आए हैं? क्योंकि इस्लाम दीन कामिल है, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले वही अल्लाह है। जो भी दीन दीन फितरत था, जो भी उसके अहकामात थे, उन सब का निचोड़ इस्लाम में है। इस तरह समझ लीजिए इसको कि इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए इंसान के फितरी तकाज़ों की तकमील करता है। मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आसान इस तरह करूँ कि फितरत इंसानी ये है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी फरमाबरदारी चाहता है, उसके सामने खड़ा होना चाहता है, उसका दीदार चाहता है। फितरत इंसानी ये है जब इसकी मोहब्बत और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो अपना सब कुछ किसी के सामने कुर्बान कर देता है। फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि किसी की याद में ये भूखा और प्यासा रह जाता है जब तक के उसकी रज़ा हासिल ना हो जाए। फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि अपना माल उसकी याद में खर्च कर बैठता है। फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि अगर माशरा इसके मुखालिफ जाए तो माशरे को छोड़कर हर चीज़ से बेनियाज होकर निकल जाता है। अगर आप फ़राइज़ की तो ये एक स्टेज बाय स्टेज जर्नी है कुर्बत अल्लाह पाने की। जी, कि अल्लाह डिमांड कर रहा है कि आप बाकी चीज़ों को शेड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ये एक डिसिप्लिन है जो आपको एक रियलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। वो रियलिटी क्या है? ऑफकोर्स एक डिसिप्लिन है ना अतिया। ये देखें कि इंसान जो है, हम अगर आज़ादी की बात करें तो दुनिया की हर आज़ादी जो है वो पाबंदी से मशरूत है। दुनिया की कोई आज़ादी ऐसी नहीं, चाहे वो औरत की आज़ादी हो, चाहे मर्द की आज़ादी हो, चाहे चांद सितारों की हो, चाहे मौसम की हो, चाहे समंदर की हो, लिमिटेशंस हैं। हाँ, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, वो लिमिटेशंस है। आपको अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दे दी, जो सबसे बड़ी नेमत है, अब आपको इस नेमत का शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करने की सबसे हसीन सूरत यही है कि आप अपने बनाने वाले के आगे सजदे में झुक जाएं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत है कि नेमतों का चर्चा करो, उनका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका, नमाज तो फ़राइज़ में शामिल है, मैं समझती हूँ गैदरिंग्स हैं, जो इस्लामिक गैदरिंग्स होती हैं, जो मुसलमानों की गैदरिंग्स होती हैं। अब बात यहाँ, क्योंकि हम रिचुअल्स की कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि महीना बड़ा बाबरकत है और जिसमें हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, तो हमें यकीनन अपने नाज़रीन से ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि रमज़ान के बाद बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा ईद की सूरत में आता है। तो एक तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता है कि जो जागने की रातें आती हैं, आप देखें कि हम 90% सिर्फ 27वीं शब को इबादत करते हैं। हम समझते हैं कि बस हमें एक वो रात मिल गई, जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आखिरी का वो जो अशरा है उसमें वो तलाश करें। अब आप कभी भी बाज़ार चले जाएं तो फुल वॉल्यूम में डेग भी चल रहा होता है, 23वीं शब को भी, 25वीं शब को भी। मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये इतना बड़ा तोहफ़ा है कि साल में अगर ये 10 रातें, और हमारे ही फ़ायदे, गुनाह हमारे धुले, ठीक है, उसका इनाम हमें मिल रहा है। फिर ईद आती है, ईद का दिन मेरे ख्याल से अगर पूरी रात जाग के और सोने के बजाय हम उसको सेलिब्रेट करें,
हम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, हम वाकई इसको जैसे पहले कम्युनिटी की तरह हम लोग जो है इन्वॉल्व होते थे, आज वो हमें नजर नहीं आते। क्रिश्चियन करते हैं, हमें क्रिसमस इतनी बड़ी चीज है और वो उसको इतना होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। एब्सोल्युटली कम्युनिटी को मौके चाहिए, मिल्लतदारी की, और अल्लाह ने तो उसका बड़ा हुक्म दिया है हदीस में, बड़ा जैसे जुमे की नमाज आप देख लें कांग्रेगेशन जो होना चाहिए कितनी ज्यादा हो नहीं रहा है। फिर आप देखिए ना, हमारे यहाँ तसव्वुर ईद जो है वो कितना सवाले है कि हम सदका फितर निकालते हैं कि आपकी खुशी सिर्फ वो नहीं कि अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए करें, बल्कि आपकी खुशी वो है जिसमें आप अल्लाह के बंदों को शरीक करें। और असल में इबादत का लुत्फ जब हासिल होता है जब आपके किरदार पर उसका असर पड़े, आपकी इबादत का इजहार जब ही होता है जब आप उसका किरदार पे असर लें और आपके किरदार में सालियत पैदा हो। इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।